अध्याय 8 में देखें, पेज नंबर 133 पर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में पहला है आपकी किताब में, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन थे बेटा? प्रथम विमेश चंद्र बनर्जी, पहले पे निशान लगाओ। दूसरा देखो, अंग्रेजी शिक्षा को भारत में मुख्यतः लागू किया किसने? मैक्स मूलर ने। किसने बेटा? मैक्स मूलर। तीसरा देखो, लाला लाजपत राय ने कौन से समाचार पत्र के माध्यम से जनता को संघर्ष के लिए प्रेरित किया? बेटा यहाँ पर चौथा है आपका, कायस्थ समाचार पत्र के माध्यम से। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी विचारों का नहीं था? आप देखिए बेटा, सेकंड वाला अरविंद घोष, सही निशान। उसके बाद में आप, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बात किसने कही थी? बेटा लाला लाजपत राय ने। किसने की थी बेटा? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की थी बेटा? बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद देखो, खाली जगह में आपको भरना है वायसराय, खाली जगह में भरो। लॉर्ड रिपिन भी लिख सकती हो, लॉर्ड लिटिन भी लिख सकती हो। उसके बाद में कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं बेटा, ए ओ हय्यूम। पहले में लॉर्ड लिटिन दिख रहा है आपको, दूसरे में ए ओ हय्यूम, तीसरे में वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की बेटा, खाली जगह में भरेंगी। 1883 में इंडियन एसोसिएशन का राष्ट्रीय सम्मेलन में बुलाया गया था, कहाँ पर बेटा? देखो कलकत्ता में। कहाँ पर बेटा? कोलकाता में। अब सही जोड़ी बनानी है हमें, राजा राम मोहन राय। पहले का सही उत्तर है ब्रह्म समाज। दूसरा देखो, ज्योतिबा फूले बेटा, सही सत्य शोधक समाज। तीसरा देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चौथा, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। पांचवे में देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्व बोधनी समाज। बेटा आप किताब में देख रही हैं, सही जोड़ी पर भी निशान लगा लीजिए। अब उसके बाद आप देखेंगे बेटा, अति लघुतरी प्रश्न के उत्तर। कांग्रेस ने अपने प्रारंभिक काल में दुखों तथा शिकायतों के निराकरण के लिए कौन सा तरीका अपनाया बेटा? अब मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको इसमें से लिखवा रही हूँ बेटा, आपके परीक्षा बोर्ड में से, आप अपना नोट करना। देखिए, देखिए बेटा, अब आप देखिए यहाँ पर है बेटा, देखिए ये उग्र राष्ट्रवादी विचारधाराओं के प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। पहला देखो, कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष आदि थे। दूसरा देखो बेटा, बहिष्कार का अर्थ लिखिए बेटा, प्रश्न भी लिखना है, उत्तर भी लिखना है आपको। बहिष्कार का अर्थ केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से नहीं, अपितु इसका व्यापक अर्थ था सरकारी सेवाओं, प्रतिष्ठानों और उपाधियों का बहिष्कार करना। संक्षेप में इसका तात्पर्य यह था कि सरकार के साथ असहयोग करना। लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन कौन सी नीति अपनाई थी? उत्तर देखो बेटा, लॉर्ड कर्जन ने भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? उत्तर में देखो बेटा, कांग्रेस की स्थापना ए ओ हय्यूम ने सन 1885 में की थी। अगला प्रश्न देखो बेटा, सहायक संधि व्यवस्था क्या थी, इसको किसने लागू किया? उत्तर देखो, भारत के गवर्नर लॉर्ड जनरल वेले जली द्वारा लागू व्यवस्था को सहायक संधि व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था को जो भारतीय नरेश यानी राजा स्वीकार करते थे, उन्हें अंग्रेजों के संरक्षण में रहकर कार्य करना पड़ता था। अगला प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व स्थापित संस्थाओं के नाम। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व अनेक संस्थाएं स्थापित हुई, जैसे
पुनः सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग 1875, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1876, मद्रास महाजन सभा 1884, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 आदि प्रमुख। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने किन उपदेशों को लेकर की थी? ह्यूम एक उदारवादी व्यक्ति थे और भारतीयों में सहानुभूति रखते थे। ह्यूम जनता को हिंसा और विद्रोह के मार्ग से स्थापित वैधानिक राजनीति के मार्ग पर ले जाना चाहते थे। अगला प्रश्न बेटा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिए? उन प्रमुख नेताओं के नाम। उत्तर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन सन 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए। इसके अध्यक्ष थे विमेश चंद्र बैनर्जी, दादा भाई नीरोजी, सुरेंद्रनाथ गोखले, महादेव गोविंद रानाडे और राज बिहारी बोस आदि इसके प्रमुख नेता थे। बेटा, यहाँ तक इतना प्रश्न लिखने के बाद भारत में बसने वाले यूरोपियों ने का विरोध क्यों किया? बेटा, इसका प्रश्न आप अपनी किताब में से लिखेंगी, उसके बाद आप अपनी किताब में रीडिंग करेंगी। कल में